हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम डेलिया फूल के बारे में जानेंगे। डेलिया फूल एक बारहमासी फूल का पौधा है जिसकी सामान्यतः लंबाई 6 फीट एवं चौड़ाई 3 फीट होता है, लेकिन इसकी एक प्रजाति ऐसी भी है जिसका आकार 1 फीट से 2 फीट तक ही होता है। डेलिया की पत्तियां सीधी डंडियों से निकलती हैं जिसका रंग गाढ़ा हरा होता है। डेलिया के पौधे को ठंडे वाले क्षेत्रों में विकास होता है। डेलिया के पौधे बहुत कमज़ोर होते हैं दोस्तों, इसलिए कभी कभी इसे डंडे के सहारे की आवश्यकता होती है। इसके पौधे के जड़ में से छोटी छोटी कलियां निकलती हैं जिनका उपयोग नए पौधे उगाने के लिए की जाती है। दोस्तों, डेलिया एक ऐसा पौधा है जिसको उगाने के लिए आप इसके कंद, बल्ब, बीज या फिर कटिंग्स का भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यह बहुत खूबसूरत फूल है, बहुत ही आकर्षित करता है। दोस्तों, फूल प्रकृति की सबसे सुंदर देन है जिसका उपयोग देवी देवताओं के पूजा के लिए करना उत्तम बताया गया है। सनातन धर्म के अनुसार कोई भी पूजा बिना फूलों के अधूरी मानी गई है। सादगी और पवित्रता का प्रतीक हैं फूल, जिनका उपयोग करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, जानकार बताते हैं कि सनातन धर्म के देवी देवताओं की पूजा के दौरान उनके प्रिय फूलों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वह प्रसन्न होकर अपने भक्तों की इच्छाओं के पूर्ण करते हैं दोस्तों, प्रकृति के बारे में हमें अपने बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए। प्रकृति हमारी वास्तविक माँ की तरह है, माँ की तरह होती है जो हमें कभी नुकसान नहीं पहुँचाती बल्कि हमारा पालन पोषण करती है। दोस्तों, सुबह जल्दी प्रकृति की गोद में टहलने से दोस्तों हम स्वस्थ और मजबूत बनते हैं। साथ ही ये हमें कई सारी घातक बीमारियों से जैसे डायबिटीज, हृदयघात, लीवर संबंधी संक्रमण, दिमागी समस्याओं आदि से भी दूर रखता है। दोस्तों, प्रकृति से हमें कुछ न कुछ देती है इसे हमें जल, हवा, जड़ी बूटी, फल, फूल और बहुत कुछ मिलता है। प्रकृति से हमें जीवन जीने के लिए सब कुछ प्राप्त होता है, ये हमारे लिए जीवनदायी है। दोस्तों, आप प्रकृति की रक्षा करें, पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं।